यहाँ पे अब अच्छे से ना थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी, पेंटिंग वगैरह भी लग जाएंगी। यहाँ बूंद तो लगती नहीं, कुछ पौधे कुछ पेंटिंग, थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, मिला के गेट बंद कर देना। आसानी से पानी दिया जा फिर। ये इसका जो घुमाव है इसके लेबल में ध्यान रखिए, इस साइड या ले लेना, ये जो ये घुमाव है ये वाला। नहीं लगा नहीं है, बस निकाल के क्या करूंगी। और चेंज भी तो करने पड़ सका, इतने पक्के ना कर दे, कभी खुला ही ना। तो ये चेंज कर दियो ना, निकाल के ये चेंज कर दी। अच्छा, ऐसे निकल रहा। हाँ, ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, आराम आराम से। इनके वजन से फाइबर तो नहीं झुका आगे को? नहीं। मैं ना बाद में ठीक कर दूंगी ना। अब सीढ़ी थोड़ी सी आगे कर लेना, ऐसे करके ज्यादा भी टाइट मत कर देना, आराम से। सही है। बहुत दिन से वेट कर रही मैं, इन्हें तैयार करने लग रही उसी दिन से कि ये, इसीलिए मगर पहले सारी तैयार हो जाए जब अरुण को बुलाऊंगी। अब कौन सी दो, येल्लो ही दू? नहीं, येल्लो तो है, अब कौन से कलर की दू? पहले कॉर्नर में लगा ऑरेंज, जो वो लगा रखा है ये स्पाइडर प्लांट है ना, ये दूसरे वाला, ये रहा। तो एक और लूंगा पहले, ये वाली दो, पहले वाली अब अच्छी लग रही है। ये वाली? हाँ, एक और लगेगी ना अभी तो। नीचे, हाँ नीचे लग रहा है, ऐसा पौधा मैं लगाऊंगी नीचे इसको तो। उस वाले में? हाँ, नीचे ऐसा एक लग रहा है, हरी दे देती हूँ, हरी रखी है बनी हुई अच्छी, एक और। ये अपने आप बहुत नीचे लटक गया होंगे पौधे, बहुत सुंदर। अच्छा, इतनी दूर तक लेकर आए। हाँ हो गया, एक और लग जाएगी है ना। हाँ जी, एक और लगाते हैं। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है सब? आंटी की बहुत मेहनत है इसमें। और जो जो मेरा चैनल देखते हैं अरुण का चैनल भी देख सकते हैं, अरुण शर्मा मोदी नगर। ठीक है, ये मेरी बास्केट लग के तैयार हो गई है। एक दो तीन चार पाँच छः, वैसे एक के कोर लग सकते हैं कॉर्नर में भी? नहीं नहीं, वैसे छः ही ठीक है ना। हाँ, प्यारी लग रही है। अब मेरा गार्डन कंप्लीट सा हो रहा है ना, कंप्लीट बस बेलिंग कम ही रहेगी। और ये इधर ये हो जाएंगे ना सारे होल जो मैंने कराए हैं, ये भी इनमें मैं पौधे लगा दूंगी तो फिर ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इसमें टांग दे यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ भी ना सिड्डी के नहीं टंगती हो, देखियो इधर दोनों एक जैसे पौधे हो गए, ये वाला भी और वो वाला भी है ना, तो ये अच्छे चल जाएंगे। अब लीजिए जी, काफ़ी दिन से सोच रही थी हैंगिंग बास्केट लगाने का, आज लग गई है हैंगिंग बास्केट भी, और बड़ा सुंदर सा लग रहा है व्यू। अरुण भी बहुत तारीफ कर रहा था कि आंटी आपने बहुत सुंदर कर रखा है गार्डन को। बहुत सुंदर तो नहीं कह सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में
सुंदर बना दूंगी। हाँ बस एक और दे दूँ, इसे भी टांग दे, इसे परले वाले में टांग दे, ले बस उस वाले में टांग दे इसे, बस जो बाहर लगे अटक जाती है कई बार इनकी चैन। ठीक है ना, रेड पिंक येलो सब हो गई, एक बची है बस ये अभी। मैं आज मैं आई हूँ छत पे और जिन कट्टों में मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, मतलब छिलके वगैरह डालती हूँ, तो आज मैं उन्हें खोल के देखती हूँ कि कैसी खाद तैयार हुई है। और इनमें मैं पिछले लगभग एक महीने से नहीं डाल रही थी, तो अब मैंने इसको पलट लिया। एक कट्टे में तो बहुत अच्छी बनी है और इस वाले कट्टे में तो थोड़ा सा सूखा वाला ही कूड़ा है, मतलब जैसे नारियल के छिलके डाल दिए उनके खोल कवर, और रेनू तो दिए वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब इनमें ही डाल के चली जाती है। तो ये मैंने ये छिलके वगैरह तो अलग कर दूंगी, और जो अभी मैं कई दिन से पूजा के फूल नवरात्रों के मैं जितने भी निकले हैं और मटर के छिलके वगैरह पौधों की पत्तियाँ वो सब मैं यहाँ इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि अभी कट्टा खाली नहीं था मेरे पास। तो अब मैं ये तो खाली कर लिया है, मैंने इसे साफ़ करने से पहले मैं ये सारे इसमें भर के रख दूँगी ताकि थोड़ी जगह सी हो जाए, यहाँ काफ़ी दिन से ही पड़े थे। और आज बारिश नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी खाद को सुखा दूँगी, तो इसमें अगर कीड़े वगैरह होंगे तो हाल तो है नहीं क्योंकि ये प्रॉपर बन चुकी है। तो अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, देखो पत्ते जैसे डालते हैं ना, देखो बिल्कुल गल गए हैं, तो इस तरह तोड़ के सब इसी में मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और ये इसमें थोड़ी सी नीम की जो वो होते हैं ना फल निम्बोली, वो गांव गए थे तब लेके आए थे, वो बिल्कुल सूखी हुई हैं, तो थोड़ी सी वो भी मिला दी है। नीम खली मिलाते हैं ना जैसे कीड़ा वगैरह ना लगे। और ये जो हवन किया नवरात्रों में ये उसकी राख है, तो इस राख को भी मैं इसमें मिला दूँगी। और ये राख बहुत ही शुद्ध होती है, हवन का आप समझ सकते हैं कितना पवित्र मानते हैं भभूति को, तो वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। और पिछले कई सालों से मैंने अपने पूजा का कुछ भी सामान कहीं पानी में नहीं बहाया है, मैं सब अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, पूजा के फूल राख अगर सब कुछ, ये सब इसी में अब आप पौधे लगा सकते हैं। ये सब मैंने डस्ट अलग कर दिया जो यूज हो सकता है, और जो कंपोस्ट नहीं होगा मतलब गलेगा नहीं वो अलग कर दिया है, धागे वगैरह निकाल दिए हैं। और ये जो सूखे सब्जी के छिलके पत्ते वगैरह इस कट्टे में भर दिए हैं, अब इसमें आगे से और डलना शुरू हो जाएगा पत्ते वगैरह। और ये कनेर का पेड़ है ना जो ऊपर छत पे, तो कनेर के पेड़ को तो खूब धूप चाहिए, इसमें ये एक सिंगोनियम उगाया है, डंडी वगैरह गिर गई होगी या मैंने ही लगाया होगा पता नहीं, तो ये धूप में जल जाएगा, ये अलग तरह का सिंगोनियम है, तो इसको मैं निकाल के ले जाती हूँ नीचे लगा दूंगी, नहीं यहाँ तो ये मर जाएगा इसमें तो। ये एक छोटा सा पोट मेरे पास रखा था खाली, इसका पौधा सूख गया था, तो ये सिंगोनियम का पेड़ मैं इसमें लगा दूंगी। और मैं सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ। और अब लगाते हैं अपराजिता की बेल, इस गमले में भी मैंने बीज बोए थे लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुए पता नहीं क्यों, और दो बार बोए इसमें, लेकिन अगर अलग जो बोए थे ना कई जगह बो रखे हैं, सब जगह जर्मिनेट हो गए हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। इस पन्नी में भी मैंने डाल दिए थे 3-4 बीज, तो ये जम गए हैं, तो इसे मैं ऐसे ही निकाल के इसमें से इस मिट्टी को इसी में रख दूंगी, तो ये इस गमले में अपराजिता का पौधा बस अच्छे से चल जाएगा। बेल इसमें नहीं जमे तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा जब इसमें जम रहे हैं तो ये फिर इसमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि बेस ही नहीं था इसमें अच्छा सा, तो इसमें मैंने लगा दिया। और ये डंडी भी इसी में गाड़ दी है, और हल्का सा बहुत हल्का पानी दे दूँ क्योंकि मिट्टी गिल्ली है, अभी बारिश होकर निमटी है ना एक दो दिन पहले ही, तो इसको हल्का सा मैं सेट कर दूँगी। और एक ये मैंने बेल पत्थर का पेड़ लगा रखा है पिछले 6 महीने से, इसमें एक भी नया पत्ता नहीं आया, एक इसमें जब भी मैं पानी देती हूँ सारा पानी नीचे निकल जाता है, इसके ड्रेनेज में कोई दिक्कत थी, मतलब पत्थर इसका ज़्यादा मोटा लगा हुआ था, सारा पानी पानी दो तुरंत बाहर सारे में गंदा हो जाता है। तो आज मैं इसको भी निकाल के इसको भी ठीक कर रही हूँ, थोड़ा बारीक पत्थर रख के और वापस से लगा दिया ये पौधा, देखते हैं चलता है नहीं चलता। और देखो कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे, देखो ये दो पत्तों का पौधा है और इस पर फूल भी खिल गया।
और ये नेक्स्ट डे जो सब्जी का वेस्ट निकला किचन से, मतलब पत्ते हैं घिया के, धनिया साफ किया उसकी पत्तियां, फ्रूट के छिलके, कुछ भी हो वो सब आप इसमें डालते रहिए। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, और अब तो गर्मी है, अब तो काफी तेजी से बन जाएगी, और इसमें बदबू वगैरह कुछ नहीं आती। अगर आप इसमें डबल डबल मेहनत होगी, अभी बारिश का मौसम हो गया तो इसको भर लूँ, वरना कहीं खराब हो जाएगी सारी। ये पायल को पता है मम्मी कहाँ से लाई है? ये वॉश है टूट से दूध के पास, ये रोड पे साइड में है ना, वहां पर खड़ा था मम्मी लिए। ये इम्पोर्टेंट है क्या प्लांट? ये सुंदर लगता है ना, ग्रीन है, ग्रीन है, देखिए नीचे देखना। हाँ, ये ऐसा बड़ा सुंदर हो जाएगा ग्रीन ग्रीन। अरे ये मैं कुछ पेड़ लगा रही हूँ, ये फर्न है, देसी फर्न, गली में से लाई हूँ निकाल के। और ये कुछ पौधे लिए थे तीन, कई दिन से ले रखे हैं, लगाए नहीं थे। एक जेड प्लांट है और एक पोर्चुला है, एक पेड़ और है कोई सा। और ये तीन पौधे दे के गई है रेनू, फायर बॉल बोलते हैं शायद शायद इनको, पता नहीं अभी नाम मुझे इनका, तो इन्हें भी लगा दूंगी मैं। और इस पे तो फूल खिलेंगे येलो या ऑरेंज कलर के, सुंदर लगते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुलदुफेरी बोलते हैं ना, गुलदुफेरी, ये बाहर की मतलब इंग्लिश गुलदुफेरी कह सकते हैं आप इसमें। इसमें सुंदर फूल खिलते हैं सुबह से शाम तक, सुबह खिल जाते हैं शाम तक मुरझा जाते हैं, नेक्स्ट डे नए खिलते हैं। और ये इसकी पत्तियों पे मतलब किनारों पे हल्का हल्का सा वाइट कलर है। ये पौधा भी मुझे सुंदर लग रहा था, तो अभी तो मैंने छोटे से पोट में ही लगाया है, देखते हैं कैसा चलेगा, अगर अच्छा चलेगा तो बड़े में शिफ्ट कर देंगे। और जेड प्लांट है एक, ये भी मैंने ले लिया था, तो इसमें बहुत चिकनी मिट्टी थी, तो इसे मैं हटा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में पौधा ना जड़े अच्छे से सर्वाइव नहीं करती उसकी। नर्सरी वाले तो पता नहीं क्या लगाते हैं, उनके यहाँ तो सब चलते रहते हैं। तो मैंने जो ये मिक्स बना रखा है ये वही है, थोड़ा सा तो मैं इसमें ऊपर से लेके आई हूँ, थोड़ा सा रेत डाला है और थोड़ा सा डाला है वर्मी कंपोस्ट। अच्छे से आराम आराम से दो बेटा। पूरा डाल दो इसमें ही, और ले आओ एक मग। और अब ये मेरी गार्डन फैमिली के 8 नए मेंबर। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, सभी को राधे राधे।